शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि कालका शिमला राजमार्ग पर शिमला के पास तारा देवी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और भविष्य में वहां हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रशिक्षण कैंप लगाने के लिए मुहैया कराई जाएगी जगह। ये जानकारी शिक्षा मंत्री ने वीरवार को चंडीगढ़ में हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स की राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स के अलग अलग एजेंडों को पारित किया गया। रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार किए हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का परिणाम बहुत अच्छा आया है, जो सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों को दर्शाता है। लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिला अम्बाला में निजी स्कूलों के 900 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर राजकीय विद्यालय में दाखिले लिए हैं। पंचकुला में बच्चों की संख्या को देखते हुए पंचकुला में सार्थक स्कूल की एक शाखा और खोली जाएगी। हिंदुस्तान स्काउट्स की आज कार्यकारिणी की बैठक थी हरियाणा निवास में, भोजन समेत 49 लोग उसमें आए थे और जो केंद्रीय बॉडी के आदमी आकाश शर्मा थे वो भी थे। उसमें पिछला जो गतिविधि थी उसके ऊपर जो खर्चा दर्चा था उसको पारित किया और आने वाले दिनों के लिए नए प्रस्ताव पारित किया। एयरक्राफ्ट की जरूरत है हरियाणा में। मेरे पास जब ये महकमा था सिविल एविएशन, तब मैंने लिखित रूप से फाइल पर सिफारिश की थी। आज प्रांत के मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को, और मैंने फाइल के ऊपर लिखा था कि साल में जितना हम एयरक्राफ्ट का किराया देते हैं वो किराया नए क्राफ्ट जितना ही बनता है और प्रदेश हित में ये ठीक रहेगा कि एक नया क्राफ्ट हम खरीदें। तब वो स्थिति थी। अब मैंने तो आपको राकेश जी खुलकर के बता दिया और सिविल एविएशन के मंत्री के नाते मैंने बता दिया और मैंने जो फाइल के ऊपर लिखा वो आपको बता दिया। इसमें और कोई खबर नहीं है राकेश जी, जो आप ढूंढना चाहते हैं वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का ये तरीका है, हम अलग अलग स्तर पर मंत्रणा करते रहते हैं। पहले श्रीमान अमित शाह जी 3 दिन हरियाणा में, अगस्त में रोहतक में आए, फिर वो जींद में बाइक रैली में आए और अब वो सूरजकुंड में 16 तारीख को आ रहे हैं। 2019 की तैयारी।